30 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण। किनकी जिंदगी में मचेगी तबाही, किनकी जिंदगी में मचेगी उथल पुथल, किनकी जिंदगी में आएगा तूफान, क्या है सूर्य ग्रहण का शुभ अशुभ प्रभाव, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा और हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण को लेकर। जी हाँ, 30 अप्रैल 2022 को साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है और इसके चंद दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद पहला चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो इसकी जानकारी आपको विस्तार से देंगे कि प्रथम सूर्य ग्रहण जो पड़ने जा रहा है उसका क्या प्रभाव रहेगा 12 राशियों के ऊपर, देश दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी आज हम आपको देंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे ग्रहण के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ग्रहण के बाद किस चीज का दान करना चाहिए और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किन राशियों के लिए यह ग्रहण जो है राजयोग कारक बन के आ रहा है, क्योंकि सूर्य उच्च के रहेंगे इस दौरान, और किन राशियों के लिए ये ग्रहण सामान्य रहेगा और किन राशियों को जबरदस्त यहाँ पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, यानी कि आर्थिक संकट भी आ सकता है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ सावधानियां नहीं बरती तो। देखिए, ग्रहण जो है आवेश है, सूर्य ग्रहण जो कि आवेश का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, जब राहु के साथ युति करेगा तो कहीं ना कहीं आवेश की वृद्धि होती है और हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है, क्रोध की अधिकता होती है, व्यक्ति ग्रहण से एक दिन पहले ही तनावग्रस्त हो जाता है। जिन व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और राहु की युति है उनको इस दौरान विशेष सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि उनको एक दिन पहले से ही तनाव होना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ यह है कि आने वाले 3 से 4 दिन तक उनको मानसिक तनाव रह सकता है। तो ये कुछ स्थिति ग्रहण की बन जाती है। देखिए, अगर बात करें सूर्य ग्रहण की तिथि और समय की तो किस समय से किस समय तक पड़ रहा है। देखिए, सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा 30 अप्रैल 2022 की रात को पड़ेगा और ये जो समय होगा रात को 12:15 से लेके और सुबह 4:07 तक रहेगा भारतीय समय अनुसार। तो ये इस समय ग्रहण का ये समय रहेगा और 3:52 की ये अवधि रहेगी और ये ग्रहण जो है भारत में दृश्य नहीं होगा, तो इसलिए इसका सूतक भी नहीं लगेगा और साथ ही साथ कोई कहना चाहिए कि ग्रहण से संबंधित जो ज्यादा परेशानियां आती हैं उस तरीके की दिक्कतें भी नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी ज्योतिष के घटनाक्रम में ये कुछ शुभ और कुछ अशुभ योग का निर्माण जरूर करता है। अब देखिए, ग्रहण चाहे चंद्रमा से बने चाहे सूर्य से बने, हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव तो डालेगा ही, हमारी आत्मा को कष्ट तो देगा ही, हमें शारीरिक कष्ट भी दे सकता है, मानसिक तनाव भी देगा, क्रोध की अधिकता भी देगा और आवेश में आके व्यक्ति कुछ गलत काम भी कर सकता है या जल्दबाजी में कुछ गलत निर्णय भी ले सकता है, इस तरह की चीजें भी देगा। अगर ग्रहण काल के समय की बात करें तो उस समय जो ग्रह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है दर्शकों, वो कुछ इस प्रकार रहेगी। सूर्य जो है राहु के साथ, चंद्रमा के साथ मेष राशि में रहेंगे। अब बात करते हैं मंगल की, मंगल जो है शनि के साथ कुंभ राशि में रहेंगे, बुध जो है अपने मित्र के साथ वृषभ राशि में रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति में। शुक्र और गुरु, देखिए दो गुरु एक साथ रहेंगे मीन राशि में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहेगी। और उसके बाद जो बचे हैं केतु महाराज, वो रहेंगे तुला राशि में। तो इस ग्रह स्थितियों के कारण ये समझिए कि यहाँ राहु भी चंद्रमा से ग्रसित इस समय हो गया, साथ साथ सूर्य भी हो गया, यानी कि ग्रहण योग बना सूर्य से भी चंद्रमा से भी बना, तो ये आपको मानसिक और शारीरिक कष्ट सभी 12 राशियों को देकर जा सकता है। कुछ राशियों को कम प्रभाव पड़ेगा, कुछ राशियों को ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से बता देते हैं कि किन राशियों के लिए ये ग्रहण जो है किसी लॉटरी से कम नहीं है, किन राशि वालों को बड़ा जबरदस्त लाभ होगा और किन राशियों को सावधान रहना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। देखिए, मेष राशि वालों, ये ग्रहण आपके लिए थोड़ा मिला जुला रहेगा। लगन में सूर्य उच्च के हैं, बहुत ही पावरफुल ये राजयोग बनेगा, साथ में चंद्रमा भी आ गए, अच्छी बात है, लेकिन राहु की युति से यहां पर
ग्रहण दोष का निर्माण हो गया है, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव, क्रोध की अधिकता, शारीरिक कष्ट, बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं, डिले होगा, इस समय रुकावट आएगी, परेशानी आएगी। और सूर्य जो है राहु के साथ बैठा है, राहु मेष की राशि में बैठा है, यानी कि अंगारक दोष बना के, तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, वैवाहिक जीवन में सावधानी पूर्वक चलना होगा, अन्यथा कोई परेशानी आ सकती है। काम कारोबार के लिए ये योग अच्छा है और किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो 12वें भाव में ये ग्रहण दोष बनता है, आपको ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, किसी भी कार्य व्यवसाय में परिवर्तन ना करें। सरकारी नौकरी में आपको कोई अड़चने इस समय आ सकती है, यानी कि आपका कोई अगर काम बनने वाला था वो डिले हो जाएगा, आपका तबादला कहीं अनचाही जगह होगा जहां आपका मन भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा, मजबूरी है, घरों का खेल है। और साथ ही साथ इस समय आपको नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन से बचना चाहिए, धन का निवेश ना करें। बात करते हैं मिथुन राशि की, जिनके लिए ये ग्रहण सर्वोत्तम कहा जाएगा, क्योंकि इनके लिए एकादश भाव में बनना है, अचानक से धन लाभ, कार्य व्यवसाय में बड़ी तरक्की, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी, नए काम की शुरुआत है। जिन लोगों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है उनको विशेष लाभ मिलेगा, धन संपत्ति बढ़ने के योग बनेंगे, तो आपके लिए ये जो ग्रहण है किसी कहना चाहिए सोने में सुहागे से कम नहीं। आते हैं कर्क राशि की, कर्क राशि वालों आपके दशम भाव में ये योग बनेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, नए कार्य की शुरुआत के लिए समय बहुत उत्तम है, मान सम्मान की वृद्धि होगी, अगर आप घर लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं तो ये उत्तम समय है, लेकिन वाद विवाद से बचें अपने कार्यस्थल पर और घरेलू मोर्चे पर, घरेलू जीवन में भी। आते हैं फटाफट से सिंह राशि की ओर, आपकी राशि का स्वामी भाग्य स्थान में बहुत बढ़िया योग बना रहा है, भाग्य पूरी तरीके से आपके साथ देगा, सरकारी नौकरी के योग लगेंगे, कोई टेस्ट कोई कंपटीशन है तो निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलता मिलेगी, यहाँ आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन दौलत की वृद्धि होगी और आपके पिताजी की सेहत भी अच्छी रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों को, कन्या राशि वालों यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, शारीरिक कष्ट इस ग्रहण के दौरान हो सकते हैं, आप मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं, कार्य व्यवसाय में आपके कोई अड़चने आ सकती है, यानी आप जो काम की शुरुआत करेंगे उसमें बार बार बाधाएं रुकावटें आएंगी, तो ये समय थोड़ा चिंताजनक है, थोड़ा सोच समझ कर निकालिए, किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना करें और बड़े परिवर्तन से बचें। तुला राशि वालों सप्तम भाव में ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है, जिसका मतलब जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ा मतभेद हो सकता है, थोड़ा संभल कर चलना होगा, वैसे तो आप ऐसी नाप तोल कर चलते हैं बहुत अच्छी बात है, यहां पर भी वही फॉर्मूला तुला राशि वालों को लागू करना होगा कि तोल मोल के बोल और सोच समझ कर फैसला लेना, ये दो काम अगर आपने कर लिए तो ये ग्रहण आपके लिए किसी कहना चाहिए मैजिक से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको धन बरसेगा, धन की वर्षा होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, काम कारोबार की तरक्की होगी, नए काम की शुरुआत भी होगी और आपका भाग्योदय भी होगा। आते हैं वृश्चिक राशि की ओर, वृश्चिक राशि वालों आपके लिए जो ग्रहण है ये मिला जुला सा रहने वाला है, यानी कि कोर्ट कचहरी के मामले हैं वो आपके पक्ष में आएंगे, लेकिन ये ग्रहण खर्च अधिक देगा, भोग विलास समय आप जरूर से जरा खर्च करेंगे, उसी से बचना चाहिए, मान सम्मान को कोई ठेस पहुंच सकती है, यहां संभल कर चलने की जरूरत रहेगी आपको। आपका मांगलिक दोष का भी निर्माण हो रहा है, घरेलू मोर्चे में भी यहाँ आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, अन्यथा वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ सकती है। आते हैं धनु राशि की ओर, धनु राशि वालों ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार है, आपकी संतान की तरक्की होगी, संतान के विवाह के योग बनेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो बाहर एडमिशन हो जाएगा विदेश में और आपको बड़ी सफलता मिलेगी, धन दौलत के योग बनने हैं, काम कारोबार भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। आते हैं मकर राशि की ओर, मकर राशि वालों ये ग्रहण आपके लिए किसी भी लिहाज से इतना बेहतर नहीं कह जा सकता है, क्योंकि स्थिति जो है आपको मानसिक तनाव की ओर इशारा कर रहे हैं, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले सकते हैं, सोच समझ कर निर्णय लें, किसी भी कार्य व्यवसाय में परिवर्तन से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, धन का निवेश इस समय ना करें। आते हैं कुंभ राशि की ओर, कुंभ राशि वालों विदेशों से लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ भाई बहन की तरक्की होगी, आपका भाग्य भी साथ देगा, धन लाभ के योग बनेंगे, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और नौकरी व्यवसाय में भी तरक्की होगी, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और अब आते हैं मीन राशि पर, मीन राशि वालों आपके धन स्थान में ये ग्रहण दोष बनता है, तो इस समय राहु भी वहां विराजमान है, तो सोच समझकर धन का निवेश करें, किसी को पैसा उधार ना दें, अन्यथा वो पैसा फंस सकता है। आपको अपनी सेहत का इस समय ध्यान रखना चाहिए, वाणी पर संयम बरतें, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए कटु वचन बहुत भारी पड़ सकते हैं,
टोल मोल के बोले तो आपके लिए ये अच्छा रहने वाला है। तो ऋषिको 12 राशियों को ग्रहण का प्रभाव बताया, साथ साथ ये भी बता दिया कि भारत में ये ग्रहण इतना प्रभावी नहीं रहेगा, लेकिन ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए। देखिए ग्रहण के दौरान, ग्रहण से पहले और ग्रहण के 2 दिन तक बाद तक क्या करना चाहिए। वैसे तो मैं लोगों को हमेशा ही बोलता हूँ कि शिष्टाचार का पालन करें, बड़ों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद दें, ईमानदारी से सभी कार्य करें तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए ग्रहण के दौरान, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। इस ग्रहण में सूतक भी नहीं लगेगा तो कोई पूजा पाठ का भी कोई व्यवधान नहीं है। सूर्यदेव की उपासना करें, चंद्रदेव की उपासना करें, बहुत अच्छा रहेगा। और ग्रहण के बाद स्नान करें, 1.25 किलो गुड़ गेहूं का दान करें, आटे का दान करें, चावल का दान करें, दही का दान करें तो विशेष आपको लाभ मिलेगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। जिन लोगों की कुंडली में राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष है, सूर्य और राहु का ग्रहण दोष है, उनको इस दौरान भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए, शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद चढ़ाएं, जिससे आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिले। और ग्रहण काल के दौरान, क्योंकि ग्रहण ये रात को पड़ रहा है, अधिकतर लोग सोएंगे उस समय, आप सुबह उठकर योग का सहारा लें या रात को भी योग करके सोएं, क्योंकि शाम से ही तनावग्रस्त स्थितियां बन सकती हैं। तो कुछ सावधानियां बरत के चले 12 राशियों वालों, इन चीजों का जो हमने आपको बताया है तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो दर्शकों आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आने वाले एपिसोड में कुछ और जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होगा। नमस्कार।